ये कोई वाटर मशीन या ड्रिल मशीन की आवाज़ नहीं है, ये हवा है, हवा की आवाज़ है, सुनिए। देखिए गेट भी नहीं खुलेगा। ये देखो मैं कैसे खींच रहा हूँ, यकीन नहीं होगा अभी। अब अभी कितने नाटक करते हैं गाइस। ये देखिए बादल, आप देख रहे हैं, वाओ बाबू, ये देखो कैसे जा रहे हैं। गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे घर के आगे एकदम सामने बादल गुजरते हुए जा रहे हैं, मुंह के आगे से बादल गुजरते हुए जा रहे हैं, और बहुत खूबसूरत नजारा है। कैमरा तो रियल नेचुरल ब्यूटी कैच कर ही नहीं सकता है। और अभी घर में देख रहे हो, दो लोग आए हुए हैं, एक तो भैया जी हमारे घर का सारा वो लेके जा रहे हैं, डब्बे न्यूज़पेपर वगैरह हमने बुलाया था, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था तो वो अभी निकाल रहे हैं। और जैसे आपको बताया था लॉक खराब हो गया था ना, उस दिन चाबी गुम गई थी, लॉक तोड़वाना पड़ा था। और जैसे आपको पता है हम दिल्ली जा रहे हैं तो वो ठीक करने के लिए बुलाया है। साथ ही साथ ये जो हमारे भगवान जी के मंदिर है ना, आप लोग बोलते थे किचन में मत रखो अच्छा नहीं है, पहले डलवा दिया था, पहले नहीं रियलाइज हुआ था, लेकिन फिर बाद में लगा नहीं यार किचन में भगवान जी नहीं होने चाहिए, उनके लिए अलग से रूम होना चाहिए। तो हमने अलग से उनका रूम, जो हमारा फर्स्ट बेडरूम है ना, जिसको गेस्ट रूम भी आप बोल सकते हो, कोई गेस्ट तो हालांकि आता नहीं है, तो हमने उस रूम में इनको इनकी स्थापना कर दी है। तो ये जो भैया जी डाल रहे हैं, इन्होंने ही ये मंदिर बनाया है और बस शिफ्ट कर दिया वहां से लेके यहाँ। तो अभी आई एम हैप्पी, दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। जैसा कि आपको बताया था लॉक खराब हो गया है, जिन्होंने लगाया था वो अभी आ गए हैं, वो रिपेयर कर रहे हैं, लॉक लग रहा है, क्योंकि दिल्ली से दिल्ली हम जा रहे हैं तो उससे पहले जरूरी है लॉक लगा के सही करा के जाए। आपका क्या कहना है? सही, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही करना चाहिए जी। चलिए दिखाइए, ये इंडिया टीवी की ऑडियंस है जी। हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। प्रसाद सबको देना होता है, खा गए। हम तो भगवान के मुंह से निकल रहे हैं। गाइस ये बहुत अच्छा काम किया आप लोगों के कहने पे, हमने हटा लिया अपना मंदिर ना वहां से। आप लोग बोल रहे थे कि किचन में नहीं रखते हैं, जो कि हमें भी रियलाइज हुआ, इतने सारे इंस्टेंस ऐसे हुए ना कि लगा नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो हमने हमारे भगवान जी को यहाँ रखा है। इतना ही खाती हूँ वो प्रसाद, इतना ही खाते हैं प्रसाद के, जिसे खाओ ना इतना कौन खा लेता लड्डू। अबे दो लड्डू खा के खड़े खड़े बस अभी बात के आते हैं, नीचे सारे वॉचमैन वगैरह को बांट देना ठीक है। खाना नहीं आ तो भी आओगे बाबू, खा तुम्हें मेरी कसम, मत मेरी कसम खाओ। तो फिर गाइस आपको बता दूं, ये जितने भी लड्डू आपने देखा प्रिंस सारा का सारा केले खाने वाले हैं। बाबू नहीं, घर में खाना नहीं बनाया मेरा। अच्छा अभी किचन में आपको लिख के जाऊंगी और दिखाऊंगी कितना खाना है, अब नहीं खाओगे? लेट हो रहा, लेट हो रहा, लेट हो रहा। चलो चलो चलो, तो हम अपने कार के लिए हमारे भगवान जी लेके जा रहे हैं। कल रात को लॉन्ग ड्राइव पे चले गए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, उस दिन एक्साइटमेंट में रात के 12 बजे हम लोग चले गए थे राइड पे, लेकिन फिर ध्यान आया नहीं यार वहाँ पे तो भगवान की स्थापना करनी है। तो आज हम मॉर्निंग में सुबह सुबह नहा धोकर के आ गए हैं अपने भगवान जी की स्थापना कार के अंदर भी करने के लिए। भगवान करे हमारा हर ड्राइव सुखमय हो, कभी कोई कुछ ना हो, मतलब अच्छे अच्छे से हंसी खुशी हम और आप एक साथ जुड़े रहें। गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो लग रहा होगा आपको काफ़ी छोटी है, लेकिन हम डेली डालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, डाल नहीं पाते क्योंकि काम बहुत बढ़ गया है हमारा।
आप सबके विशेष और प्यार के लिए थैंक यू सो मच गाइस, वी लव यू ऑल। कि सिर्फ कार की पूजा करेंगे, भगवान की स्थापना करेंगे, पर अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत कहीं घूम लेते हैं। तो अभी हम लोग कहीं तो निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं नहीं पता, क्या पता सिर्फ बाहर सड़क से ही घूम के आ जाएं। अभी नई नई कार है ना, भले ही सेकंड हैंड है पर हम लोग के लिए नई नई कार है ना, तो अभी चलाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे और आपको भी लेके जाएंगे। कुछ कहना चाहते हो मिस्टर प्रिंस? क्या बोलूं, हेयर कट के लिए चले क्या? पॉसिबल वाली चीजें बोला करो, कुछ भी नहीं होता। लड्डू कौन खाएगा? दो तो लड्डू तुम खाओगी, तुमने खाना कहाँ बनाया? कहाँ लड्डू? चलो कितने दिखाओगे खाना है। अच्छा, तो भगवान जी की स्थापना करके अभी हम लोग घर आ चुके हैं। हालत बुरी हो गई, नीचे बहुत गर्मी थी यार, आजकल बहुत ह्यूमिडिटी है। हाँ, सब कहते हैं आप लोग स्वेटर कैसे पहन लेते हो गर्मियों में, क्या बताएं इसके पीछे की कहानी क्या है। चलो अभी थोड़ा सा काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस, जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि यहाँ से हटा देंगे हम मंदिर, यहाँ हमने लगवाया तो था, सोच कर कि किचन है, पूजा तो हम किचन में भी कर सकते हैं। काफी अच्छा लगा, मेरे दिल को सुकून मिल रहा है कि यहाँ से हमारा मंदिर हट गया है। बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, गाड़ियां भी लेके जाए, सब कुछ धुल गया, सब साफ हो गया।
चलो गाइस लंच का टाइम हो गया है, आपको लेके चलते हैं अपने साथ लंच पे, आइए। केले केले झूल रहे हो? हाँ आजा बैठ जाओ, आप लोग झूलोगे, आजा मेरे घर झूला झूलेंगे एक साथ, पकौड़ों के साथ। पकौड़े खाओगे ब्रो? मैं डाइट पे देख लूँ, तुम मेरा वेट कितना कम होता चला गया। मेरा भी वेट वैसे कम हो रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया? पर दिल्ली में जाके बढ़ जाएगा दोबारा। चलो शाम का टाइम हो रहा है, मुझे लग रही है भूख, मैं जा रही हूँ खाने। बाबू खाना है तुम्हें कुछ? प्रिंस तुम्हें खाना है कुछ? खाओगे? खाना लाओ। खाना है नहीं खाना तुम्हें? हाँ प्रिंस लड्डू खाएंगे, सॉरी खाना नहीं है कह रहे ना, मैं आपको दिखाती हूँ खाना है या नहीं। मैं दिखाती हूँ आपको खाना है नहीं, तब से बोले जा रहे हैं खाना नहीं है, खाना नहीं है। प्रिंस के हिसाब से घर में खाना नहीं है, ये राइस है, भिंडी की सब्जी और सांभर। रोटी नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला था कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, इतना राइस मैं अकेले खा भी नहीं सकती, उसको नहीं खाना काम पर। मुझे तो बहुत भूख लगी है।